We are at Tariwala slum today, and we are here to distribute our Karishma Care biodegradable sanitary pads to adolescent girls who are about 13 years of age, and also to give a session on hygiene management. As you all are aware that we are conducting this session, and we are going to various schools and villages and in urban slums and donating our pads to the needy girls and giving a session on the hygiene management, which is so essential in today's time as there are so many infections and diseases related to it. And we will be donating these pads to the girls today, and of course a session on the hygiene management. And as you all are aware, there are many girls in the slum and in the villages are not attending the schools when they get periods because of the fear and also unavailability of the pads. And there's a lot of doubts and queries which they have. And that's why we have a hashtag Be Without Fear. So we will be conducting a session, and we'll be giving them pads for I think for 5-6 months today for to all these girls, which will be repeated again. So if whoever is watching this video and if you wish to support all the lovely girls here, so you please join us, and you can go to our helpline numbers or our website or contact us to donate whichever way you wish to, or you can be a part of our sessions which we'll be conducting later on, and if you wish to donate. So आता तुम्हाला माहिती आहे सॅनिटरी पॅड्स मी कसं वापरतं. मग हे जे पॅड्स आहे हे बायोडिग्रेडेबल आहे. बायोडिग्रेडेबल म्हणजे 3 महिन्यानंतर हे जे दे गेट डिकम्पोज, म्हणजे मातीमध्ये हे मिक्स होऊन जातात. आणि इको फ्रेंडली आहे, आणि अर्धा वर डेरिवेशन म्हणजे प्रोटेक्टेड आहे, म्हणजे त्याच्यात काही जर्म्स वगैरे नाही आहे, म्हणजे खूप क्लीन आणि हायजिनिक आहे. आणि आता तुम्हाला आम्ही हे 3-3 पॅकेट देणार आहे, म्हणजे तुमच्यामध्ये 5-6 महिन्यापर्यंत ट्रीटमेंट होईल आणि तो नंतर रिपीट होईल. मग तुम्ही हे सगळं काही नॅपकिन्स वापरा. आणि हायजीनचा तुम्हाला माहिती आहे, म्हणजे तुम्हाला जेव्हा तुम्ही नॅपकिन्स वापरता तुम्हाला हे रेग्युलर चेंज करायला पाहिजे. एकदा तुमचा नॅपकिन ओढा असताना तर तुम्ही जास्त वेळ वापरू नका, म्हणजे प्रॉपर चेंज करा, म्हणजे 4-5 तासानंतर. आणि साबणनी रेग्युलर हात धुवायला पाहिजे, क्योंकि जब आप बाथरूम में जाते हो तो नैपकिन चेंज करते हो तो उससे बहुत इन्फेक्शन होते हैं, बहुत जर्म्स होते हैं, जो आपको पता नहीं चलता है. लेकिन वो दरवाजे से अगर आपको हैंड वॉश नहीं करोगे, वो आप दरवाजे में लगेगा तो किसी को भी हेपेटाइटिस बी वायरस होता है जो 5-2 दिन कुछ समय तक अलाइव रहता है, तो उससे किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है. आप देखोगे जहाँ भी थोड़े नालों गलियाँ होती है, जहाँ पे ज़्यादा अगर क्लीननेस नहीं होती है, सफाई नहीं होती है, तो इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी हो सकता है. इसलिए अपना हाइजीन का खुद का और सबका दूसरों का हाइजीन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि बहुत सारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब जहाँ आप नैपकिन यूज़ करते हो वहाँ से अंदर से बहुत सारे इन्फेक्शन बहुत लड़कियों को हो चुके हैं. और आई थिंक फ्यू थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन, काफ़ी लड़कियों की डेथ हो गई है उसकी वजह से. और क्योंकि ये आपको इतना अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, और अभी आपको पता नहीं है कि उनको एक्चुअली नैपकिन्स कैसे यूज़ करना चाहिए, नैपकिन्स की कौन सी क्वालिटी है, और उसको कैसे उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. अगर किसी ने गंदा नैपकिन फेंटा है उससे दूसरी लड़की को भी इन्फेक्शन हो सकता है. तो ये खुद काफ़ी सारी बातें हैं जो हम लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते. तो जो आपको टीचर्स के साथ या घर में ये ओपनली डिस्कस करना चाहिए था. आई थिंक थे ना आपके स्कूल में, मैंने सेशन लिया था मदी भी स्कूल में, तो उस टाइम ही हमें नैपकिन बांटे थे स्कूल में लड़कियों को. अच्छा शी वॉज देयर, व्हाट्स योर नेम, यू कैन नाउ टाइम सोनी. तो सोनी ने एक सेशन अटेंड किया था अपने नवीन स्कूल में, और आई थिंक उसको भी काफ़ी इसके बारे में अवेयरनेस हुआ होगा. सोनी बता सकती है कुछ 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 याद है हमने क्या डिस्कस किया था? हाँ, क्योंकि काफ़ी जैसे गांव में जैसे लड़कियाँ स्कूल में जाती है, न्यूज़ पेपर यूज़ करते हैं, पत्ते यूज़ करते हैं, उनको भी स्कूल जाना है, लेकिन वो डरते आ रहे हैं किसी किसको बोलना है, मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, तो अंदर बैठती है चुपके, अपने किसी किसी घर में आई नहीं है तो बाबा को बता नहीं पाते, तो सब हमारा पीरियड देते हैं. तो अपने माइंड से सबको प्रॉपर यूज है, और यूज़ करने के बाद आप नैपकिन को चेकते हो जब भी, उसको प्रॉपर रैप करके किसी पेपर में किसी चीज़ में, क्योंकि उससे भी काफ़ी इन्फेक्शन हो जाता है. ऐसी नैपकिन लेके घर घर फेंकना अच्छा नहीं है, उसको किसी भी चीज़ में रैप करके उसको प्रॉपर प्रॉपर डिस्पोजल बहुत ज़रूरी है. तो ये सब हाइजीन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट है. तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट में
नैपकिन कैसे यूज कर रहा है और अपना हेल्थ का कैसे ख्याल रखा है वो उसके अंदर आता है। तो आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट है अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी आप थोड़े से बड़े हो गए, जो थोड़ी लड़की हैं जो इनका एकदम से जो बहुत ही छोटी है उनको थोड़ा थोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी डर रहता है लड़कियों को और वो इसके बारे में बात नहीं कर पाती है। तो इसके लिए ओपनली डिस्कस होना चाहिए। और जैसे बताते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वो, और काफ़ी सही लेडीज़ को बचपन में नैपकिन ठीक से यूज नहीं किया तो उनको बड़े होने के बाद कभी डिजीज हो जाती है, इतने सारे कैंसर हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर हो रहे हैं आजकल जो होते हैं, तो बस दिन है तो क्यों हुआ, लेकिन जो छोटे थे वो उसमें काफ़ी लोगों ने अपना खा भी लगता है। इसलिए बचपन से ही अगर नॉलेज हो कुछ डर है कुछ पूछना और प्रॉपर यूज़ करना और एक नैपकिन को बहुत देर तक यूज़ करना या उसको वो बहुत ही डेंजरस है, या कपड़ा यूज़ करना वो भी अगर कपड़ा भी कोई यूज़ करता है तो बहुत ही क्लीन होना चाहिए, वो कपड़ा भी कभी रिपीट नहीं करना है कि एक बार बहुत लोग यूज़ करते हैं और वापस नेक्स्ट टाइम उस कपड़े को यूज़ करते हैं तो उससे ही बहुत इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो अगर कोई कपड़ा भी यूज़ करा तो उसको इमीडिएटली फेंक दो और नैपकिन भी यूज़ करो, क्योंकि हम आपको नैपकिन लेकर प्रोवाइड करेंगे। तो है कुछ डाउट टी एस के बारे में, कुछ पूछना है तो और टी एस के बारे में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए नैपकिन पूरे या सबको पीछे पीछे पास करो। अभी जो नैपकिन है ये प्योरली ऑर्गेनिक है, इसमें जिलम थ्री टू वन टीचर को तीन दिन जैसे करते तो बैच है सही मत करो पास करते जो माँ का पास करा पटा पटा चलो जल्दी पास करा दोनों किनको नहीं सुनील ने किया होगा, सुनील ने किया होगा ठीक है बोलो यस यस ठीक कंफर्ट